हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनसंचार अचीवर्स। मैं सरोज शर्मा। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है राइटिंग फॉर प्रिंट। बेसिकली इसमें न्यूज़पेपर के बारे में बात करेंगे कि जो हमारी न्यूज़पेपर राइटिंग है वो कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या कंटेंट होता है हमारे न्यूज़पेपर में। सो फर्स्ट है न्यूज़ राइटिंग। ये बेसिक टाइप है हमारी। ज़्यादातर जो हम न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें न्यूज़ होती है जो कि एक पैटर्न को फॉलो करती है। जो भी हमारी न्यूज़ राइटिंग है, जो रिपोर्ट राइटिंग का उसका स्टाइल है, उसमें 5W और 1H होता है। इसमें कि क्या होता है कि न्यूज़ कैसे बनी, उसका बैकग्राउंड क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने करा और कैसे हुआ। सेकेंड है फीचर्स। इसमें क्या होता है, इन डेप्थ एनालिसिस होता है। जैसे कि जो न्यूज़ है वो करंट टॉपिक के बारे में होती है, जबकि जो फीचर्स हैं वो किसी भी पर्सनालिटी के बारे में भी हो सकता है, किसी प्लेस के बारे में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, उसका बैकग्राउंड को एनालिसिस करा जाता है, इन डेप्थ एनालिसिस करा जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट में उसका कैसे स्टार्ट हुआ, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया, प्रेजेंट सिनेरियो उसका क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट। इसमें क्या होता है, ये एक तरह से एडवर्टाइजिंग होती है। इसमें कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हो सकती है, सर्विस की एडवर्टाइजिंग हो सकती है। इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपनी प्रोडक्ट की वो एडवर्टाइजिंग करती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जान सकें। ये एक तरह का पेड प्रमोशन होता है। नेक्स्ट है कॉलम्स। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोग जो किसी अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो कॉलम लिखते हैं पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में। और इससे क्या होता है कि अगर आप वोकैब्स पे अपनी बहुत अच्छी, अगर आप अपनी वोकैबलरी बनाना चाहते हैं तो आप कॉलम्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं वो कॉलम में अपने एक्सपर्ट व्यूज़ लिखती हैं, जिससे कि हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है ओपेड पीसेस। ये क्या होता है, ये अपोजिट एडिटोरियल होते हैं। जो अपोजिट एडिटोरियल के जो पेजेस पर आता है उसको ओपेड पीसेस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, किसी के पर्सनल व्यूज हो सकते हैं। जैसे कि एक हिंदू में आता है फ्रॉम द रीडर्स एडिटर। इसमें क्या है, एक ये बहुत अच्छा इसमें कॉलम है जिसमें हमें जानकारी मिलती है और ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जो एडिटोरियल में क्या लिखा है। वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। नेक्स्ट है लेटर टू एडिटर। इसमें क्या होता है कि जो हमारे रीडर्स हैं न्यूज़पेपर के, या जो रीडर नहीं भी हैं, वो क्या करते हैं, एडिटर को लेटर लिखते हैं। जैसे उन्हें कोई समस्या है, या उन्होंने कोई एडिटोरियल पढ़ा जिसके बारे में वो अपनी राय देना चाहते हैं, या कोई सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो न्यूज़पेपर को बताना चाहते हैं, तो वो एडिटर को लेटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ राइटिंग फॉर्मेट। जो भी हमारी राइटिंग है, जो ये रिपोर्ट है, जो भी हम लिखते हैं उसका एक फॉर्मेट है। जैसे कि लीड एंड समरी डिजाइन, ये कहाँ फॉलो होता है, ये न्यूज़पेपर राइटिंग में फॉलो होता है। इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मेट है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, जो लीड एंड समरी डिजाइन में वो फॉलो करा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक क्यूरियोसिटी बनाई जाती है रीडर के माइंड में, ताकि वो पूरी रिपोर्ट पढ़े। तो इससे धीरे 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 इंटरेस्ट क्रिएट करा जाता है। पहले लीड इन होता है कि एक लाइन है, एक ओपनिंग, जिससे कि रीडर का इंटरेस्ट बन रहा है उस स्टोरी को पढ़ने में, और धीरे 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 उसको क्लाइमैक्स तक लाया जाता है। तो जो न्यूज़पेपर राइटिंग जो है हमारी, वो उस फॉर्मेट को फॉलो करती है। नेक्स्ट है सॉफ्ट लीड डिज़ाइन। ये कहाँ काम आती है, ये ब्रॉडकास्ट में इसका यूज़ करा जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हमारे पास स्पेस काफ़ी होता है, जबकि ब्रॉडकास्ट में ऐसा नहीं होता। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही चेंज हो जाता है सिनेरियो, इसलिए क्या होता है कि उसमें डायरेक्ट बात कही जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीड। ज़्यादातर देखा गया कि टाइप्स ऑफ लीड में और टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग में कन्फ्यूज़न होती है। रिपोर्टिंग के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, पहले हम लीड देख लेते हैं। फर्स्ट है समरी लीड, सेंट्रल इश्यूज डिस्कशन फर्स्ट। समरी लीड में क्या होता है कि जो भी सेंट्रल इश्यूज़ हैं, मीन्स जो इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं, उसका सबसे पहले डिस्कशन करा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन लीड।
स्टोरी हैज पब्लिक इंटरेस्ट। क्वेश्चन लीड में क्या होता है कि जो भी स्टोरी है उसका पब्लिक में इंटरेस्ट होना चाहिए, मीन जो भी आपने टॉपिक चूज करा है वो पब्लिक इंटरेस्ट का होना चाहिए। नेक्स्ट है पंच कैप्सूल और कार्टिलेज लीड, शूट एंड पंची। इसमें क्या होता है कि जो भी स्टोरी है वो बहुत क्रिस्प में, मीन्स बहुत पंची होनी चाहिए, वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और डायरेक्ट कोटेशन, एक्सप्लेनेशन एंड कोट। इसमें क्या होता है कि आप किसी को कोट कर रहे हैं, मीन्स कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी है, उसने कोई बाइट दी है या लाइन उन्होंने जो बोली है उस पर फोकस करा जाता है कि वो उसको बहुत इम्पोर्टेंट दिखाया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट लीड, कंपैरिजन। इस कॉन्ट्रास्ट लीड में क्या होता है कि कंपैरिजन करा जाता है, जैसे कि दो सिचुएशन का कंपैरिजन कर लिया, या दो पर्सनालिटीज हैं एक ही फील्ड की उनका कंपैरिजन कर लिया। नेक्स्ट है डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट अपील, स्पीक्स टू रीडर। इसमें क्या होता है कि एक डायरेक्ट अपील करी जाती है रीडर से, जैसे कि कोई आपने सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो इसमें डायरेक्ट अपील करी जाए रीडर से कि आप जितना हो सके इरेडिकेट करने की कोशिश करें पॉल्यूशन को, या कोई सोशल कॉज है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इस तरीके से। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव लीड, इवेंट डिस्क्रिप्शन। जैसे कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या होता है किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करा जाता है, मींस कि कोई इवेंट हुआ, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, वो किसी स्कूल में कोई प्रोग्राम था, तो उस इवेंट को हमें डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उनका कंक्लूजन हुआ, एसेट्रा। नेक्स्ट है पेरोडी, डायलॉग। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरह से बातचीत के द्वारा स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है कि आपको पता लगे कि दो लोग बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट है हिस्ट्री और लिटरेरी, एल्यूजन एंड हिस्टोरिक इवेंट। इसमें क्या होता है कि लिटरली मीन्स कि कोई चीज वो लिटरली है, वो वजूद में है, जैसे कि कोई हिस्टोरिक इवेंट हो रहे हैं, जैसे किसी मॉन्यूमेंट पे कोई इवेंट हुआ, या कोई हिस्टोरिकल कोई मीन्स कि ऐसी कोई घटना घटी जो काफी इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में इवेंट हुआ। नेक्स्ट है स्टको लीड, टू क्रिएट मूड। इसमें क्या होता है कि ये इस टाइप की लीड होती है कि जिसमें एक तरह सा मूड क्रिएट किया जाता है, जैसे कि कोई म्यूजिकल इवेंट हुआ या कोई ऐसा इवेंट हुआ जो रीडर्स को काफी अच्छा लगा, तो इसमें क्या होता है कि एक तरह से बनाया जाता है कि स्टार्टिंग से कि इस टाइप से होगा, और जो रीडर का इंटरेस्ट है वो मेंटेन करके रखा जाता है। नेक्स्ट है सस्पेंडेड डिलेड लीड, रीडर हैज टू रीड होल स्टोरी। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी स्टोरी है वो उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, अगर आपको उस स्टोरी के बारे में जानना है तो आपको पूरा रीड करना ही पड़ेगा, अगर आप बीच में उसको कहीं छोड़ देते हैं तो आपको स्टोरी का आइडिया नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सरकमस्टेंशियल लीड, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी। इसमें क्या होता है कि जो भी स्टोरी ली जाती है वो ह्यूमन इंटरेस्ट की होती है, जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, जैसे जो भी करंट ट्रेंड है ये उससे रिलेटेड होना चाहिए और ह्यूमन के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे रीडर्स तभी वो स्टोरी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑडिडिटी ऑफ वीक, बिगिन विथ ऑड स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि ये जो भी स्टोरी है वो किसी ऑड स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रही होती है, और स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रही होती है तो रीडर उसको पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट ऐसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ऐसी वो क्यों है, उसका रीजन ढूंढने के लिए वो स्टोरी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नरेटिव, स्टार्ट्स विथ मिडल। इसमें क्या होता है स्टोरी कहीं बीच में से स्टार्ट हो जाती है, जब आप पढ़ोगे उसको तो आपको पता लगेगा इसका स्टार्टिंग जो है वो निकल चुका है और हम जो पढ़ रहे हैं वो मिडल पार्ट है स्टोरी का। नेक्स्ट है बुलेट लीड, जैसे कि ये नेम सजेस्ट कर रही है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, इसमें टू द पॉइंट बात करी जाती है, जो डायरेक्ट रीडर्स के माइंड को हिट करती है, वो इधर उधर घुमाकर बात नहीं करते हैं, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात करते हैं जो डायरेक्टली हिट करती है रीडर्स के माइंड को। नेक्स्ट है फनी और ग्रॉक।
इसमें क्या होता है कि जो भी स्टोरी है वो किसी फनी वे में बताई जाती है, ह्यूमरस वे में बताई जाती है, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारे रीडर्स हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं उसको पढ़ने में, और उनको एक तरह से जो जानकारी मिलती है वो ह्यूमरस वे में जानकारी मिल जाती है, जिससे कि वो बोर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ब्लाइंड आइडेंटिफिकेशन पर्सन नॉट नॉट। इसमें क्या होता है कि जिस बारे में भी जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो नोन नहीं होता, इसमें ये नहीं पता होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर स्टोरी है कि वो ऐसा हुआ, उसके बारे में हुआ, ये जो घटना हुई वो ऐसे आदमी के द्वारा हुई जो किसी पर्टिकुलर चीज से पीड़ित है, लेकिन हमें उसमें पर्सन का नहीं पता होता है, तो इसलिए इसको ब्लाइंड आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें किसी पर्सन का हमें पता नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जनसंचार अचीवर्स। थैंक यू।